हिदायत बेकार है जब तक दिल में गुदास ना हो, हिदायत बेकार है जब तक के नीयत दुरुस्त ना हो। कोई शख्स बड़ा आलिम है लेकिन अपने इल्म को उसने जरिया बनाया है दुनिया कमाने का, तो दर हकीकत ये कुरान उसके हक में हिदायत नहीं है, उसके हक में अज़ाब खुदाबंदी का जरिया बन रहा है। हुजूर ने खुद फरमाया, अल कुरान हुज्जतुन लका अलैक, ये कुरान या तुम्हारे हक में हुज्जत है या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बनेगा कयामत के दिन। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारा राबता बहाल रहे। तो ये है दूसरी चीज कि दर हकीकत तज़किया नफ्स का जरिया ये कुरान है। सीनों में जो रोग हैं, हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल, हुब्बे शोहरत, हुब्बे इख्तदार, जिसको कि एडलर कहता है द अर्ज टू डोमिनेट, मैं मेरा गलबा हो, मेरा तसल्लुत हो, मैं नुमाया हो जाऊं, मेरी हुकूमत बन जाए, इख्तियार मेरे हाथ में आ जाए, द अर्ज टू डोमिनेट, ये सारी अर्जिज हैं हमारी दर हकीकत जिससे फसाद रूनुमा है। ये हुब्बे माल है जिसकी वजह से हमारे अंदर तनाफुस है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुर्तुमुल मक़ाबिर, ये कसरत और बोहतात की तलब तुम्हें गाफिल किए रखती है यहां तक के कब्रों तक जा पहुंचते हो। आंख इंसान की खुल नहीं पाती, जिसके पास दस दस नस्लों के लिए खाने को मौजूद है उसकी भी हिर्स जो है और मजीद का लालच जो है वो खत्म नहीं होता। ये चीजें हैं असल रोग, इन दिलों के रोगों का और सीनों के अंदर के इन अमराज का इलाज कुरान है। या यूहन्नास कद जातकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर। अब जब ये दो चीजें हो जाएंगी, अब तीसरा लफ्ज है हुदन। हिदायत बेकार है जब तक दिल में गुदास ना हो, हिदायत बेकार है जब तक के नीयत दुरुस्त ना हो। कोई शख्स बड़ा आलिम है लेकिन अपने इल्म को उसने जरिया बनाया है दुनिया कमाने का, तो दर हकीकत ये कुरान उसके हक में हिदायत नहीं है, उसके हक में अज़ाब खुदाबंदी का जरिया बन रहा है। हुजूर ने खुद फरमाया, अल कुरान हुज्जतुन लका अलैक, ये कुरान या तुम्हारे हक में हुज्जत है या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बनेगा कयामत के दिन। इसलिए कि एक शख्स इसको दुनिया कमाने का जरिया बना रहा है, एक शख्स इसको शोहरत के हुसूल का जरिया बना रहा है, एक शख्स इल्म को जरिया बना रहा है दुनिया में नुमाया होने का, अपनी तारीफ का। हुजूर ने फरमाया कि कयामत के दिन सबसे पहले तीन अफराद का मामला पेश होगा अदालत खुदाबंदी में। एक वो जो बड़ा आलिम समझा जाता था उससे बड़ा इल्म फैला, दूसरा वो जो बहुत साहिब सरवत था उसने बहुत खैरात के कामों में पैसा लगाया, तीसरा वो जो दुनिया में शहीद समझा जाता था कि अल्लाह की राह में जंग करते हुए जान दे। अल्लाह इन तीनों से जो उसको नेमतें दी थी उनका जिक्र करके पूछेगा कि मैंने तुम्हें ये दिया, तुम्हें ये दिया, तुम्हें ये दिया, तुम क्या करके लाए। वो शहीद कहेगा कि अल्लाह मैंने तेरी राह में जंग की और अपनी जान दे दी ताकि तू राजी हो जाए। अल्लाह फरमाएगा कज़बता, तूने झूठ बोला। इन्नका कद कातलता लिअन युक़ाला जरीउन, तूने तो ये जंग इसलिए की थी कि कहा जाए कि बड़ा जरी है, बड़ा बहादुर है। ये लोगों से बहादुरी के तमगे लेना तुम्हारा मकसूद था। वक़द क़ीला, वो कहा जा चुका है, अब यहां तुम्हारे लिए कुछ नहीं। और फरिश्तों को हुक्म होगा और वो औंधे मुंह उसको घसीटते हुए जहन्नम में झोंक दे। दुनिया में शहीद समझा जा रहा है, आखिरत में जहन्नमी है। यही हाल उस आलिम का होगा, यही हाल उस दौलतमंद का होगा। तुमने ये इल्म फैलाया था कि तुम्हारे इल्म का चर्चा हो जाए, तुम्हारी शोहरत हो जाए, लोग तुम्हारी दस्तबोसी करने लगे, लोग तुमसे झुक कर मिले। वो दुनिया में हो गया, तुम्हारा मकसूद मिल चुका, तुम्हारा मकसूद हासिल हो चुका, अब यहां कुछ नहीं। तो जान लीजिए कि जब तक दिलों के रोग दुरुस्त न हो, इल्म बेकार है, हिदायत कतान गैर मुफीद है। पहले दिलों का क्रस्ट उतरे, उसकी सख्ती दूर हो, यह है मौइज़ा। दिलों के अंदर से हुब्बे जा, हुब्बे दुनिया, हुब्बे माल निकले, यह है तज़किया। शिफाउन ले माफी सुदूर, अब हिदायत खुदाबंदी, अब रास्ता आप देखेंगे और उस रास्ते पर चलेंगे। यह हिदायत जो है दुनिया में, यही आखिरत में रहमत की शक्ल में जाहिर होगी। जिन्होंने इस कुरान की हिदायत से फायदा इस दुनिया में उठाया, आखिरत में रहमत खुदाबंदी की बदलियां उन पर साए करेंगे। एक हदीस में तो बाकायदा अल्फाज आए हैं कि सूरह बकरा और सूरह आले इमरान ये दो बदलियों की सूरत में जाहिर होंगी मैदान हश्र में, और उन लोगों पर साया करेंगी कि जिनको इनसे बड़ी मोहब्बत थी। ये चार अल्फाज नोट कर लीजिए इसी तरतीब के साथ, या यूहन्नास कद जातकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही। ऐ नबी कह दीजिए ये अल्लाह का बड़ा फजल है लोगों, समझो उसकी बड़ी रहमत का जहूर हुआ है इस कुरान की शक्ल में।
उसकी रहमत का मजहर अदम कुरान है, उसके फजल का सबसे बड़ा सबूत कुरान है। فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, इस पर उन्हें खुशियां मनानी चाहिए। इतराना है तो इस पर इतराएं कि इतनी बड़ी दौलत हमारे पास है, इतना बड़ा एहसान है जो अल्लाह ने हम पर किया है। فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, जो चीजें ये जमा करने की फिक्र कर रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा कीमती ये कुरान है। काश के ये दो आयात ही हमारे कल्ब के ऊपर ये कंदा हो जाए। पहली बात मैंने अर्ज की थी, उसका शऊर हर एक के लिए मुमकिन नहीं, उसका बातिन बेदार हो चुका हो। لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, जिनकी अरवाह बेदार हो चुकी हो वो कुरान की उस तासीर को महसूस करेंगे। लेकिन ये दूसरी चीज है कि जो हमारे लिए प्रैग्मेटिक पहलू से, अमली एतबार से, इफादे के एतबार से ये चार अल्फाज और रहमत और फजल खुदाबंदी का सबसे बड़ा मजहर, और खुशियां मनाओ कि अल्लाह की ये नेमत तुम्हारे पास मौजूद है।